दस मर्दों की इकलौती दुल्हन की अनोखी कहानी। शादी, सुहागरात और बदकिस्मती का राज। एक महिला की किस्मत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कर्नाटक की एक लड़की ने एक, दो या तीन नहीं बल्कि 10 शादियां रचाई, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी शादी टिकी नहीं। अब एक दो हो तो बात भी समझ आए। यहाँ महिला 10 शादी की और 10 हस्बैंड के घर वो रह भी चुकी थी। यहाँ तक कि सभी के साथ उसके फिजिकल रिलेशन भी रहे। लेकिन सोचिए, जब 10 मर्दों को एक महिला ने कोर्ट में घसीट ले तो क्या होगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें से सभी ने उसके साथ दरिंदगी की थी, या यूं कहें कि शादी के बाद उनके रिलेशन बने थे। लेकिन कोर्ट में तो आरोप कुछ और ही बयां कर रहे थे। एक और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं। इस बार उन कानूनों का फायदा उठाने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि खुद एक महिला ही है। दरअसल कर्नाटक से एक मामला सामने आया है जहां एक महिला ने करीब 10 मर्दों के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर कर्नाटक हाईकोर्ट के जज भी हैरान रह गए। एक वाइफ ने अपने सभी 10 हस्बैंड के खिलाफ रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद से सभी की जांच होने लगी। इसी कड़ी में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर कर्नाटक हाईकोर्ट के भी कान खड़े रह गए। दरअसल महिला का नाम दीपिका है। कर्नाटक हाईकोर्ट में कॉफी बगान के मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस आया था। लड़की ने आरोप लगाया था कि बगान के मालिक ने उसके साथ शादी की फिर बिना किसी कारण के छोड़ दिया था। जब इस केस को लेकर मामले की जांच हुई तो महिला द्वारा लगाए सभी आरोप गलत पाए गए, बेसलेस पाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने बगान के मालिक पर लगे सभी आरोप को रद्द कर दिया। इस केस को बताएं इससे पहले इस कहानी को जान लीजिए। आपको बता दें कि 28 अगस्त साल 2022 में काम के सिलसिले में मैसूर के होटल ललित महल पैलेस दीपिका और कॉफी बगान के मालिक मिलने गए थे। इस मुलाकात के दरमियान दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने थे। इसके बाद ठीक अगले महीने में यानी 8 सितंबर साल 2022 को दीपिका ने रेप का मामला दर्ज करवाया। पहली बार शिकायत के बाद तो मामला आपस में ही सुलझा लिया गया था, लेकिन इसके बाद 19 सितंबर साल 2022 को दीपिका ने दूसरी बार शिकायत दर्ज करवाई और दावा किया कि आरोपी ने दीपिका से शादी की और उसके बाद उसे छोड़ दिया था। अब ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई में पता चला कि कॉफी बगान के मालिक दीपिका के 10वें शिकार थे। इसके साथ ही आरोपी के परिवार ने बताया कि जिस तरह से आरोप लगे थे वो बेबुनियादी थे और दीपिका ने इन सभी को झूठे मामले में कोर्ट तक घसीटा था। कोर्ट ने पाया कि साल 2011 से दीपिका ने बलात्कार, क्रूरता, धमकी और फरेब समेत कई आरोप लगाते हुए अलग अलग पतियों और उनके साथ रह रहे पार्टनर के खिलाफ कुल 10 शिकायतें दर्ज कराई थी। कोर्ट की माने तो ज्यादातर मुकदमे बेंगलुरु के हैं, जो वहाँ के अलग अलग पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इसके साथ ही दीपिका ने चिक्काबल्लापुर और मुंबई में एक मामला दर्ज कराया था। हालांकि तीन केस में ट्रायल कोर्ट ने दीपिका के खिलाफ ही फैसला सुनाया था, जिसमें दीपिका पर कई संगीन आरोप लगे थे, जिसके बाद कोर्ट ने तीन केस में आरोपियों को बरी कर दिया था। फिर तो पीड़ितों ने दीपिका के खिलाफ जबरन वसूली और अन्य अपराधों का आरोप लगाते हुए 5 शिकायतें दर्ज कराई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हर केस में एक पैटर्न को नोटिस किया था, जो दीपिका के खिलाफ ही साबित हुआ। बता दें कि दीपिका के खिलाफ जब भी मामला दर्ज होता तो वो कभी भी कोर्ट नहीं जाती। ऐसे में कई बार अनुपस्थिति से कोर्ट ने उसे ही कटघरे में ला खड़ा कर दिया। हालांकि बार बार नोटिस के बावजूद शिकायतकर्ता दीपिका कोर्ट में नहीं जाती थी, जिससे कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी वजह कई पुरुषों और उनके परिवार के लोगों को फंसाया था। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए दीपिका को फटकार लगाई, जिसमें आईपीसी के धारा 376 के तहत रेप के आरोप में उन आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। वो बात अलग थी कि हिरासत में लंबे समय तक रहने के बाद आरोपियों को बेल मिल गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये तक जिक्र किया था कि इस केस ने तो हनी ट्रैप को भी पीछे छोड़ दिया। ये मामला एक के खिलाफ नहीं था बल्कि कई लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था।
शिकायतकर्ता दीपिका ने लगातार झूठ बोला और बिना किसी ठोस सबूत के मर्दों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके साथ ही वो कोर्ट में हर सुनवाई में लगातार नहीं पहुंची, जो साफ दर्शाता था कि लड़की के इरादे साफ नहीं थे। जज ने ये तक कहा कि इस कोर्ट के सामने भी शिकायतकर्ता दीपिका एक बार पेश हुई थी और कई मौकों पर पेश नहीं हुई। कोर्ट की माने तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती थी, उसे भी जांच करने की जरूरत थी। ऐसे में कई निर्दोषों के साथ इस तरह से कानूनी पेच फंसे, जो आगे चलकर जांच में सामने आए थे। इसके बाद ही कोर्ट ने आरोपी मर्दों को नहीं बल्कि इस लड़की को ही माना था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।